सलमान खान, सलमान खान की हट गई क्या? डर गए? दबंग भाईजान, राधे डर गए इतने जल्दी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या है इस वीडियो में बताऊंगा मैं, कैसे मुंबई पुलिस ने सपोर्ट किया, कैसे आज की सरकार ने सलमान खान को सपोर्ट किया, और सलमान खान की कैसे फट गई, कैसे डर गए सलमान खान की, क्या है ये पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ 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 आगे जाने से पहले मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच सके। क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन एटलीस्ट जिन जिन लोगों ने सुशांत को तकलीफ दी है उन लोगों के बारे में मैं आप तक सच पहुँचाऊँ, और सुशांत के जस्टिस के लिए हो या किसी के भी जस्टिस के लिए हो मैं आवाज़ उठाता रहूँ, वो फिर किसी से बड़े बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ हो या किसी नेता के या अभिनेता के या किसी भी बड़े इंसान के, मैं तो डरता नहीं हूँ, ये आपको भी पता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलो इस वीडियो में आगे बताता हूँ क्या हुआ। सलमान खान, मैंने प्यार किया, इतनी सारी फिल्में करने के बाद मैंने प्यार किया और बहुत सारी फिल्में की, सूरज बढ़ जाता है उनके लाइफ में एक बहुत यूटर्न लेके आए थे सलमान खान ने, मैंने प्यार किया जैसे फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई, उसके बाद हम आपके है कौन सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, शोले फिल्म के बाद हम आपके है कौन का नाम लिया जाता है, और शोले फिल्म वही फिल्म है जिन्होंने सलमान खान के पिताजी सलीम खान ने लिखा था। तो यह इन फैमिली के साथ साथ एक ऐसी फिल्म बन रही थी जो रामायण के ऊपर, रामायण आज की डेट में कैसी होगी इस लेवल के ऊपर बन रही थी, हम साथ साथ है, और जो भी सूरज बढ़ जाता की थी, जिन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, विवाह, शाहिद कपूर की, इस टाइप की फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनाई थी। अभी लेटेस्ट फिल्म उन्होंने कुछ साल पहले बनाई थी प्रेम रतन धन पायो, जो सलमान खान के साथ थी, जो लेकिन हम साथ साथ की बात करते हैं, हम साथ साथ है वो फिल्म है जहाँ पे हम साथ साथ है फिल्म एक तरह शूटिंग हो रही थी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, और दूसरी जगह ब्लैक पैंथर का शिकार हो रहा था। पता नहीं कैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक तरह से अगर भगवान का गाना कर रहा हूँ, फिल्म शूट कर रहा हूँ भगवान के गाने का, तो मैं उस गाने के ब्रेक में, मुझे भूख लगी है तो उस ब्रेक में अगर चिकन या नॉनवेज भी हो तो मैं वो भी नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि वो मेंटेलिटी आपकी वो होती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना अचानक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म और दूसरी जगह आप शिकार कर रहे हो? तो इसी शिकार की वजह से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो हिरन और उन सबको, प्राणियों को अपना मानते थे, इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने, लॉरेंस बिश्नोई वो है जिन्होंने सिद्धू मूसा वाले का कत्ल में उनका नाम आया और ये सारी चीज़ें आई, और उसके बाद सलमान खान को उन्होंने एक सलीम खान को एक लेटर दिया, सलीम खान वॉक पे गए थे, उनको एक लेटर मिला कि अब तेरे बेटे की बारी है, आपके बेटे की बारी है, अब उसको बचा के रखो। और यही नहीं कि जब लॉरेंस बिश्नोई ऑफकोर्स अंदर है, उन्होंने कहा कि 2018 में एक राइफल भी हमने खरीदी थी सलमान को टारगेट करने के लिए, और सलमान को टारगेट कम्प्लीटली हो चुका था, 4 लाख रुपए में 2018 में हमने एक राइफल भी खरीदी थी जिसका टारगेट सलमान खान थे, लेकिन वो हुआ नहीं, और अब सलमान खान के ऊपर टारगेट है। ये जानते ही सलमान खान ने सबसे पहले मुंबई से पुलिस प्रोटेक्शन मांगी जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी, लेकिन उसके बाद अब एकनाथ शिंदे और इनकी सरकार आने के बाद उससे सबसे पहले वो जाके, जैसे सरकार बदली मुंबई पुलिस कमिश्नर बदले, इमीडिएटली वो विवेक फंसालकर जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है अभी, क्योंकि सरकार बदलते ही मुंबई पुलिस कमिश्नर बदल जाता है, तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो है विवेक फंसालकर, उनको जाके सरकार बदलते ही सलमान खान जाके मिले। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिल्म की शूटिंग करनी है तो चलो जान पहचान के लिए कर लो, ऑलरेडी 2-3 केसेस पड़े हुए हैं वो ऑफिस ना खुलवा दे तो सर लेने दे से मामला निपट जाए, वो हर कोई करता है, किसी की भी सरकार हो, सर मुंबई पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, इंडियन पुलिस पैसा लेती है, रिश्वत लेती है, गारंटी है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते, चलो गारंटी लेते मतलब हमने अभी तक देखा यही है, इसीलिए बोल रहा हूँ एक क्लेम है, पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कोई क्लेम ना करे, आगे की बात चलते चलो। लेकिन सच आप सबको पता है कि पुलिस क्या है, प्रशासन क्या है, सरकार क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मुंबई पुलिस के विवेक फंसालकर के मिलने के बाद सलमान खान ने ये बोला कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे एक पिस्टल या पिस्टल दी जाए लाइसेंस के साथ, क्योंकि मेरी जान को खतरा, इसलिए कई सारे ऐसी संस्थाओं ने ऑब्जेक्शन लिया कि सलमान खान को ये पिस्टल ना दी जाए, ही इज़ नॉट ही ऑलरेडी क्रिमिनल है, उसका नाम है, मतलब क्राइम साबित नहीं हुआ लेकिन नाम है, हिट एंड रन केस में है, हिरन के केस में है, तो इसको पिस्टल ना दी जाए। फिर भी सलमान को आज की डेट में
सलमान खान को विवेक फंसालकर की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से और इस सरकार की तरफ से, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से पिस्टोल का लाइसेंस मिल गया, इस वजह से कि उनकी जान को खतरा है, सेल्फ डिफेंस के लिए वो पिस्तौल का लाइसेंस मिल गया। साथ ही साथ प्रोटेक्शन सलमान खान ने पूरी पूरी चेंज कर दी है अपनी तरह से। यही दबंग एक्टर, वांटेड एक्टर राधे जो फिल्म बनाते हैं और हर एक इंसान जो 50 लोगों को ऐसे ही मार देता है, वो इंसान फिल्म में सब होता है, लेकिन असलियत में सलमान खान हो या कोई भी फिल्म स्टार हो या कोई भी बड़ा बड़ा नेता हो, असली ज़िंदगी में जब खुद पे बात आती है तो इंसान घबराता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। फिल्में देख के जो आप करते हो वो सच नहीं, कुछ ह्यूमन होते हैं जो वाकई में बिना डरे उस चीज़ को पार कर देते हैं, जो ह्यूमन टेंडेंसी को भी पार कर देते हैं, वो होते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उस टाइप के लोग होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी आगे आते हैं, वो हीरो हीरो होते हैं। ये पर्दे के हीरो है, इसकी बात आप पर्दे तक ही रखिए तो अच्छा है, वो भी आपको देखना है तो देखो वरना मत देखो। सो अदर थिंग्स दैट, क्योंकि मैं तो देखने नहीं जा रहा हूँ फिल्में, मुझे ना मेरे पास पैसे है और ना ही मैं वेस्ट कर सकता हूँ पैसे इतने ज़्यादा, और ना ही मेरे को इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मेरा काम है इसलिए मैं गाने देखता हूँ बस, क्योंकि मेरा काम है वही करना है आगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। चले अपने टॉपिक पे आते हैं, लोगों को मेरे बारे में सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सलमान खान के बारे में सुनने का इंटरेस्ट है, तो चलो बात करते हैं। तो सलमान खान और पॉलिटिक्स के बारे में और सुशांत के बारे में स्पेशली, तो चलो बात करते हैं आगे। सलमान खान को वो लाइसेंस दे दिया गया, कई लोगों ने, संस्थाओं ने मना किया, फिर भी सलमान खान को लाइसेंस दे दिया गया सरकार की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से, और उसके बाद आज सलमान खान ने पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो पहले किसी और कार में घूमते थे, अब वाइट लैंड क्रूजर कार में घूम रहे हैं, और वो उसमें आर्मर के प्रॉपर बुलेट प्रूफ ग्लास तक लगा दिए उन्होंने, सिक्योरिटी अपनी चेंज कर ली है, शेरा आज भी उनके साथ है, और बाकी पूरी सिक्योरिटी बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन कर रखी है। सलमान खान फुल 24 घंटे फुल प्रोटेक्शन में और अपनी पिस्टोल के साथ रहते हैं। बात यहाँ डरने की है, फटने की है, बिल्कुल। सलमान खान हो या कोई भी बड़ा फिल्म स्टार हो, सिर्फ पर्दे पे होता है। किसी दिन काम मिलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी दिन मुझे मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा कि शूटिंग कैसे होते हैं लाइफ पे, क्योंकि वो शूटिंग सिर्फ दिखावे के लिए होती है, ऐसे करना है वैसे करना है, बॉडी बनाई जाती है सिर्फ दिखावे के लिए, प्रोटीन शेक और ये सब लेके। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री इज जस्ट वन दिखावा है और कुछ नहीं। वहाँ ये भी दिखावा है कि आप डोनेशन करते हो, वो भी दिखाना है, आप हीरो हो ये भी दिखाना है, और बहुत अच्छे इंसान हो ये भी दिखाना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पर आपका बिजनेस डिपेंड करता है, वो नेता हो या अभिनेता हो। क्योंकि देखा जाए तो नेता एक तरह से भिखमंगे होते हैं, वो वोट मांगते रहते, वोट दो वोट दो, और ये भिखारी बहुत अच्छे होते हैं नेता से, क्योंकि भिखारी तो वोट मांगते, भिखारी तो भीख मांग के खाते और बाद में आपका एहसान भी करते। ये भूतनी वाले नेता भीख मांगते वोट के लिए, और जैसे वोट मिल जाते हैं वो आप ही के ऊपर अत्याचार करते हैं। इनका तो शैतान के भी पार हो गए नेता। फिल्म स्टार वो होते हैं जैसे एटलीस्ट आपका सामने हाथ जोड़ते, अपने आप को अच्छा साबित करते, आपको अपना हीरो बताते हैं, आपके सामने एक अपनी अलग ही इमेज डिज़ाइन करते हैं, और वो पीआर वाले डिज़ाइन करते हैं, और उसकी वजह से आप फिल्में देखते हो और उनको हीरो मान लेते हो। नेता बहुत ही गंदी चीज़ है, वो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। सो सलीम खान ने बोलने की वजह से हो, या सलमान खान के बोलने की वजह से हो, या फिर पॉलिटिक्स चेंज होने के बाद इन नेताओं के साथ सपोर्ट करने की वजह से हो, लेकिन सलमान खान को लाइसेंस मिल गया, सलमान खान के पास अब आज की डेट में एक पिस्तौल है और सिक्योरिटी चेंज है, बुलेट प्रूफ कार में घूमते हैं और जहाँ पे भी शूटिंग वगैरह जाते हैं हर जगह अपने इसमें। ये रही सलमान खान की खबर। बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर किसी के साथ भी अन्याय हुआ हो, मैं आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि मैं राष्ट्रहित में हूँ, जनहित में हूँ, और हर उस इंसान के साथ हूँ जिसके साथ अत्याचार होता है। और सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड होने के नाते, मैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर होने के नाते, इस भारत का नागरिक होने के नाते हमेशा सच के साथ।